अरे चलो वही खड़े हो जाओ। अरे यहाँ अनु आप अब बताओ शांति से, आप आए थे पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे थे, क्या हुआ? बिल्कुल शांत, रोने की जरूरत नहीं, आप परेशान मत हो, हम आपके हेल्प के लिए ही हैं। क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जी। अगेंस्ट वुमेन रेप, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रियंका रेप। अच्छा, सिर्फ वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड आई थी यहाँ पर? इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रियंका रेडी, इट्स अबाउट एवरी रेप दैट इज हैपनिंग। आप क्या करते हो? पास्ट 2012। आप क्या करते हो? जॉब करती हूँ। दिल्ली में ही रहते हैं? कहाँ पर? अच्छा, डिस्क्लोज। आप इस घटना से क्या बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो गई, शॉक्ड हैं और इस वजह से आई? इंडिविजुअल आप आई, किसी ग्रुप से तो आप नहीं ताल्लुक रखती हैं? कोई ग्रुप से ताल्लुक? क्या आप किसी न्यूज या इन्फॉर्मेशन को देख के उस इंसिडेंट को लेके यहाँ पे आई, आपको लगा कि आप? मैंने आज तक इंस्टा पे आज तक कोई मैंने रेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को यूजुअली इग्नोर करती हूँ। तो पुलिस जब आपको यहाँ पे लेके आएंगे, आपसे क्या कह के यहाँ पे लेके आएंगे कि आपके पास परमिशन नहीं है या आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो आप पहले थाने? नहीं, मगर काफी जबरदस्ती से वो लेकर आपको लेकर आ रहे थे। आपके हाथ में देखा चोट भी लगी हुई है आपके। अच्छा, पुलिस के बारे में भी कुछ नहीं? ठीक है, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ। आपको सभी सुन रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सवाल सुन रहे हैं तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगी? जो इस गवर्नमेंट की अथॉरिटी रखते हैं, मैं उनसे एक बार मिलके सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। क्या रहेगा? सारी लड़कियाँ, नॉट ओनली लड़कियाँ, आपके साथ जो भी गलत हो रहा है आप मुझे बताओ। आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं फिर जंतर मंतर? आप दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे कहाँ पे? जंतर मंतर पे?